नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम धार। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और महासचिव दिग्विजय सिंह आज धार जिले के बदनावर विधानसभा उपचुनाव प्रचार में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की तथा पुलवामा हमले में पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति के बाद भाजपा द्वारा कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोपों पर बोले कि भाजपा को पाकिस्तान की बात पर ज्यादा भरोसा है। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार में सिंधिया द्वारा गायब रहने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आईपीएल क्रिकेट मैच में अंतिम ओवरों में ज्यादा रनों की जरूरत होती है, पर धुरंधर खिलाड़ी को भेजे जाने से तुलना की। साथ ही भाजपा प्रदेश सरकार में घोटालों के सवालों पर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इसमें शिवराज सिंह सहित तमाम दिग्गजों के व्यापम के सभी घोटालों को उजागर करेगी और कहा कि 28 की 28 सीट जीतकर कांग्रेस 10 नवंबर को दिवाली मनाएगी। सर, पुलवामा पाकिस्तान के स्वीकृति के बाद बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। ऐसा है, पुलवामा के मामले में भाजपा को पाकिस्तान की बयान की विश्वसनीयता ज्यादा लगती है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि पूरे चुनाव में आप प्रचार अभियान से दूर रहे और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया आरोप लगाते रहे। किसने कहा? हमें काहे के लिए नाश्ता करने आया? आप कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आया? नहीं, मैं पब्लिक मीटिंग कर रहा हूँ। हाँ, देखो एक बात सुनो, तुम आईपीएल देखते हो? देखते हो नहीं देखते हो? कभी कभार देखा कर। आखिरी जबरदस्त चली हुई है लड़ाई, मतलब और उसमें सुन ले, अरे सुन ले, आखिरी 50 ओवर 50 रन 5 ओवर में बनाने होते हैं तो किसको भेजा जाता? बता बता किसको भेजा जाता है? यहाँ तो कप्तान भी, अरे सुन ले मेरे भाई, अगर तू नहीं जानता दिन में से पूछ। बता, 50 रन बनाने हैं और धोनी आएगा और 5 ओवर बचे हैं, किसको भेजते हैं? धोनी आएगा, सुन ले। मैं, आपने भाजपा का एक भी घोटाला उजागर नहीं किया। 2018 में आप चिल्लाते थे कि शिवराज सिंह भी जेल में होगा, साधना सिंह भी जेल में होगी, फिर एक भी घोटाला क्यों उजागर नहीं हुआ? अब मैं जवाब दूं, बीच में मत बोलना। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक नंबर, एक शिवराज सिंह चौहान का सावेर का बयान तूने सुना कि हमको ऊपर से आदेश हुआ कि सरकार गिराओ, क्योंकि अगर कमलनाथ 5 साल रह जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सारे घोटालों की परतें खुलना शुरू हो गई थी, इसलिए श्रीमान अगर 5 साल हमको मिल जाए, और इसीलिए हम आए हैं कि चलो 5 साल में से 7 महीने उन्होंने निकाल लिए, लेकिन बाकी महीनों में इनको एक एक को हम लोग कहाँ पहुँचाना है, एक एक घोटाले को उजागर करेंगे, चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे ई टेंडिंग का घोटाला हो, चाहे सिंहस का घोटाला हो, चाहे पेंशन का घोटाला हो, चाहे अवैध रेतकरण का घोटाला हो, एक एक को उजागर करूंगा मैं। हनी ट्रैप में भी आरोप लगाया कि कई भाजपा के नेता शामिल है, पर बावजूद उसके नाम उजागर नहीं किए गए, जो SIT जांच ऐसा है, उसके चीफ को भी हटा दिया गया। ऐसा नहीं है श्रीमान, SIT नहीं, SIT को पूरा अधिकार दिया गया था और SIT का पूरा अधिकार हाईकोर्ट ने हमसे ले लिया। अब हाईकोर्ट को हमें उजागर करने का मौका दे तो हम उजागर कर देंगे। कौन कौन भाजपा का नेता उसमें शामिल है बता देंगे। सर, अब 28 की 28 सीटें भी जीतते हैं तो निश्चित तौर पर नहीं दिख रही है। अरे तुम क्या भाजपा के हो, जिस तरह से बात कर रहे हो, तो फिर सुनो, फिर मेरी बात सुन, 28 की 28 जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, 10 नवंबर को कांग्रेस दिवाली मनाएगी। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।